दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे, आप जो ये वाटर पंप देख रहे हैं ये कौन सा कंपनी का है और इसका जो स्लॉट का लंबाई है ये कितने इंची है और इसको हम कितने कितने नंबर वायर गेज से भरेंगे। सारा कुछ जानकारी मैं इसी वीडियो में आपके सामने शेयर करूंगा। साथ में यह वाटर पंप हमने एक बार इसको बनाए हुए थे और कितना दिन पहले बनाए हुए थे और ये कितना दिन चला, सारा कुछ डिटेल जानकारी दूंगा। और उस समय इसका डाटा क्या था और मैं अब इस समय इसका डाटा क्या लागू करने वाला हूं, तो सारा कुछ इसी वीडियो में आप लोगों के सामने शेयर कर दूंगा। देखिए दोस्तों, यह वाटर पंप पहले हमने इसको रिवाइंड किए थे, तो चलिए अब सबसे पहले मैं इसकी कोर लेंथ की बात कर लेता हूँ। जैसे कि आप इसका स्टम्पिंग की जो लंबाई देख रहे हैं, यानी कि खांचे का लंबाई जो देख रहे हैं, ये प्रॉपर 2 इंच में है। आप स्केल से इसको माप सकते हैं, ये 2 इंच लंबा है। और दोस्तों इसका खांचे का गैप भी बहुत अच्छा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब ये कौन सा मोटर है इसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मोटर दोस्तों किर्लोस्कर कंपनी का ही है। और दोस्तों देखिए, कोयल XL सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। डोमेस्टिक पंपिंग सेट है, यानी कि वाटर पंप है, जिसे आप टुल्लू पंप भी बोलते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, कोयल का लोगो लगा हुआ है और 0.75/1 HP आप यहां देख सकते हैं दोस्तों। इसमें जो PVC पेपर इंस्टॉल किया जाएगा, ये इंस्टॉलेशन क्लास B यानी कि 7 नंबर का PVC पेपर हमने इसमें इंस्टॉल किए हैं। और दोस्तों इसमें कैपेसिटर जो यूज होगा, तो आप यहां देख सकते हैं कि 12.5 यानी कि 12.5 MFD का कैपेसिटर यूज करना है। और दोस्तों ये सिंगल फेज मोटर बनेगा और ये 2 पोल में मोटर बनेगा दोस्तों। इसके बीच में हम 4 स्लॉट छोड़ करके इसको वाइंडिंग करेंगे और इसका 2 सेट यानी कि रनिंग का बनेगा, 2 स्टार्टिंग का बनेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका सारा जानकारी आपको दे चुके हैं कि ये कौन सा मोटर है। एक बार आप पहुंच करके भी देख लीजिए। यहाँ देख लीजिए, मैं वीडियो को थोड़ा होल्ड कर दे रहा हूँ, ज़रा सा भी मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ इसका सारा डिटेल देख लीजिए। अगर इस तरह का आपके पास भी कोई सा मोटर आए, यानी कि टुल्लू पंप आए, तो आप बेहिचक दिए हुए डाटा से इसको वाइंडिंग कीजिए। मोटर चलेगा ही नहीं दोस्तों, दौड़ेगा, ये मेरा वादा है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसको पहले ही बना चुका हूं और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। और यह वजह यह हुआ था कि इसका वायरिंग खराब होने के कारण यह मोटर जला, अन्यथा यह मोटर और चलता। तो चलिए अब मैं इसको बतलाता हूं कि यह मोटर मैं कब बनाया था और कौन सा वायर से बनाया था। तो देखिए दोस्तों, यह मोटर के नीचे मैं जो भी मोटर बनाता हूँ, सबके नीचे मैं कुछ ना कुछ लिख के रखता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी शेप बचा हुआ है, क्योंकि ये मोटर का निचला भाग होता है, इसके अंदर अगर आप लिख देते हैं फिक्स मार्कर से तो ये नहीं मिटेगा दोस्तों। 3/4/2020 यानी कि 2020 जब लॉकडाउन लगा था, तो उस समय तार का किल्लत ज़्यादा था। तो उस समय दोस्तों मैं इसको ए, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ए लिखा हुआ है, यानी कि इसको हम अल्मोनियम से रिवाइंड किए थे। और दोस्तों देखिए, उस समय जो हम इसको रिवाइंड किए थे, तो दोस्तों रनिंग में हमने 23 नंबर वायर गेज चलाए थे। और दोस्तों उस समय हम इसमें टर्ने दिए हुए थे 55। और दोस्तों स्टार्टिंग में दोस्तों हमने 25 नंबर स्टार्टिंग में हमने 25 नंबर वायर गेज चलाए हुए थे, वो भी दोस्तों अल्मोनियम ही था। रनिंग में भी अल्मोनियम और स्टार्टिंग में भी अल्मोनियम। और दोस्तों 90 टर्न हम इसमें डाले हुए थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने सारा कुछ लिख चुके थे। लेकिन दोस्तों आज जो मैं इसका डाटा वाइंडिंग करने जा रहा हूँ, वह एक कुछ अलग ही प्रकार का है। तो दोस्तों उस समय हमने इसमें 55 टर्न डाले हुए थे 23 नंबर से। आज दोस्तों लेकिन हम इसको 23 नंबर से इसमें 60 टर्न डालेंगे, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा आया है। और 2020 ईस्वी में इसको बनाया गया था। और दोस्तों ये मई का 30 तारीख है और ईस्वी 2022 है। तो आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये कितना साल ये मोटर चला, वो भी अल्मोनियम से। और दोस्तों ये मोटर एक दिन नहीं चलता है दोस्तों, ये मोटर एक सब्जी का खेती करने वाले व्यक्ति का है, जो कि लगातार इस मोटर से यूज करता है, गर्मी हो या बरसात। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसका सीधे वाइंडिंग डाटा की तरफ आपको ले चलता हूं दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि 2 पोल में मोटर जब वाइंडिंग होता है, तो बीच में 4 स्लॉट आपको छोड़ देना है खाली, 1, 2, 3, 4 स्लॉट छोड़ करके 23 नंबर से आप 60 टर्न दीजिए, क्योंकि उस समय हम 55 टर्न दिए थे। आप 55 भी लागू कर सकते हैं, लेकिन अब जो मैं इसको वाइंडिंग करूँगा तो ये 60 टर्न दूंगा। और दोस्तों स्टार्टिंग का डाटा सेम रखेंगे, 25 नंबर से 90 टर्न देना है।
और पुनः दोस्तों इसको अल्मोनियम से ही रिवाइंड करेंगे, क्योंकि इस कस्टमर का कहना है कि जिस तरह से आप पहले जिस वायर से हमको वाइंडिंग करके दिए थे, मोटर अच्छा चला है, आप उसी वायर से हमको फिर पुनः बना करके दीजिए, इसमें दूसरा कुछ भी नहीं चलना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों कॉपर से नहीं, इसको पुनः मैं अल्मोनियम से वाइंडिंग करूँगा। और आप एक बार पुनः इस मोटर का सारा डिटेल जानकारी देख लीजिए, आपको इस तरह से कोई भी व्यक्ति यूट्यूब पे आपको जानकारी नहीं देगा, जो कि मैं सटीक वाइंडिंग और सटीक जानकारी आपको देता हूँ। अल्मोनियम से बनाया था तो अल्मोनियम से बनाया था और अल्मोनियम से बनाऊँगा, अगर कॉपर से बनाता हूँ तो मैं आपको कॉपर का भी डाटा देता हूँ। तो ये दोस्तों मैं अभी इस मोटर का आपको अल्मोनियम बेस्ड डाटा दे रहा हूँ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों आप मेरे चैनल का सदस्य बन करके रहिए। मैं आपको एक से एक मोटर का वाइंडिंग डाटा, सटीक वाइंडिंग डाटा दूंगा और मैं अल्मोनियम हो या कॉपर दोनों वायर से मोटर बनाता हूं और मोटर बनाने में मैं माहिर हूं। तो इसलिए आपको कहीं नहीं जाना है दोस्तों, क्योंकि मोटर का वर्क मेरे यहाँ डेली चलता है। जैसे कि अभी भी मैं आपको दिखला देता हूँ कि मेरे यहाँ कितना मोटर सब पड़ा हुआ है और मैं बनाऊंगा, हर एक प्रकार की मोटर मेरे यहाँ आता है। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ एक दो मोटर ऑलरेडी हमने बना करके रख चुके हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ पे काफ़ी सारा मोटर आपको मिल जाएगा। ये मेरा होम मेड स्टीयरिंग फैन कॉइल वाइंडिंग मशीन है और देखिए यहाँ आपको 2 HP का भी कई मोटर मिल जाएगा और 1 HP सब का है। इसमें देखिए दोस्तों 200 रुपया जमा करके गया हुआ है और इस मोटर को भी मैं बनाऊंगा। तो इस मोटर का मैंने ऑलरेडी वाइंडिंग डाटा डाल चुका हूं, जो कि मैं आप देख लीजिएगा ये किर्लोस्कर कंपनी का ही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मोटर का काफ़ी वर्क रहता है मेरे यहां। तो अब आपको बिलीव हो चुका होगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों मैंने 23 नंबर का अल्मोनियम वायर निकाल चुका हूँ और ये वेनस कंपनी का वायर है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वायर होता है। तो इससे मैं पहले इस फर्मे पर रनिंग का डाटा तैयार कर लेता हूँ, यानी कि रनिंग का कॉइल तैयार कर लेता हूँ और इसको इंस्टॉल करता हूँ। बाद बाकी डाटा दोस्तों वही रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप हमारे चैनल का सदस्य बन करके रहिए।